दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। यमुनानगर जिले में मोटरसाइकिल पर घूमकर जगह जगह पर गर्भपात की दवाइयां बेची जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने एक योजना बनाकर गर्भपात की दवा बेचने वाले युवक से फोन पर संपर्क किया और एक फर्जी ग्राहक बनाकर दवा लेने भेजा। योजना के मुताबिक दवा बेचने वाले युवक ने ग्राहक को विश्वकर्मा चौक पर बुलाया। जैसे ही युवक ने महिला को गर्भपात की दवा की किट दी, तभी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस युवक को दबोच लिया। ये हमने एक्चुअली फोन पे इनसे संपर्क किया, हमारे को एक लीड मिली थी कि ये एक बंदा है जो एमटीपी किट्स ऐसे इलीगली सप्लाई करता है। ये एक लाइसेंस्ड केमिस्ट भी नहीं है, ये बैग में अपने किट लेके घूम रहा था और हमने इनको फ़ोन पे संपर्क किया। इन्होंने हमारे को बोला कि आप इस जगह पे हमारे पास आ जाइए, फलानी जगह पे आ जाइए, वहाँ पे आके हम आपको वो दवाई दे देंगे। हमने एक नोट लिया जिसके ऊपर हमारी टीम के सिग्नेचर्स थे, रिटर्न ऑर्डर्स हैं हमारे पास सिविल सर्जन के ये रेड करने के लिए। उस नोट को उसको दिया गया और वो दवाई दे के, और जिस समय वो दवाई दे रहा था उस समय हमने इसको पुलिस वालों के साथ मिलकर दबोच लिया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की सूचना दी, जिस पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच गर्भपात की दवा बेचने वाले युवक को पकड़ा। इससे पैसे बरामद हुए हैं। कितने पैसे बरामद हुए? करीब 35,000 के करीब इससे पैसे बरामद हुए हैं। और वो नोट भी बरामद हुआ जो डॉक्टर साहब ने इसका 500 रुपये का नोट अपने सिग्नेचर करका इसके पास किट ले, वो जो गर्भपात कराने वाली किट जो खरीदने के लिए दिया था 500 रुपये का नोट, वो डॉक्टर साहब के साइन उस नोट को भी मिलेगा। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हम इसको जल्दी इसके खिलाफ जो भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करें। यमुनानगर से रणसिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।